यहाँ अपनी पूरी टीम जिस बंदे को घूरे जा रही है वो है विवियन रिचर्ड्स। इस चैनल के बहुत से व्यूअर्स काफी यंग है, इसलिए विव रिचर्ड्स क्या चीज थी ये शायद आपको पता ना हो, पर गूगल पर एक सिंपल सा सर्च मार लो तो विकिपीडिया में आपको मिलेगा शायद आज तक देखा गया सबसे घातक बल्लेबाज। उस पर इतना दबंग कि अपने 17 साल के करियर में उसने एक भी बार किसी भी गेंदबाजी का सामना करते हुए हेलमेट नहीं पहना। और फाइनली इतना खूंखार कि उस वक्त के बहुत से कैप्टन्स ऑन रिकॉर्ड कह के गए जो मर्जी आए कर लो, पर गलती से भी विव रिचर्ड्स को स्लेज मत करना। अब सोचिए ऐसे विव रिचर्ड्स को अपने होम ग्राउंड पर एक 21 साल का नौजवान स्लेज करना शुरू कर दे, यहां तक कि उनका विकेट तक ले ले, तो सोचिए फिर क्या होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 में पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज दौरे से 5 ओडीआई और 3 टेस्ट की इस श्रृंखला को, जहां इनिशियली सिर्फ एक रूटीन सा सीरीज माना जा रहा था, वो खत्म होते होते इतिहास के सबसे यादगार सीरीजेस में से एक बनने वाली थी, जिसके एक और थे 1987 में रिटायरमेंट ले चुके और फिर एक साल में ही वापस लौटने वाले इमरान खान। दूसरी ओर विवियन रिचर्ड्स, जिसकी इस वेस्ट इंडीज टीम ने पिछले 15 साल में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, जो पिछले 10 साल से घर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हार रहे थे, और जिसने इस ओडीआई सीरीज में विव रिचर्ड्स इंजरी से बाहर होने के बावजूद पाकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। तो देखने में तो वही घिसी पिटी पुरानी कहानी मालूम होती थी, एक शानदार टीम अपने घर पर अपराजित, पर पहला टेस्ट आने पर कहानी बदल गई। मियांदाद की सेंचुरी और उस एक्स रिटायर्ड कैप्टन के 11 विकेट्स के बदौलत पाकिस्तान जीत गया। 10 साल बाद वेस्ट इंडीज अपने घर पर हारी थी और मानो इसने सोए हुए शेरों को जगा दिया। अगली मैच शुरू होते ही एक और मैल्कम मार्शल और विंस्टन बेंजामिन बस काटने की फिराक में, और दूसरी ओर पूरा वेस्ट इंडियन क्राउड गर्दन पर चढ़ा हुआ, और इस पर अपने टीम को हारते देख इंजरी के बावजूद वापस लौटे विवियन रिचर्ड्स, जिन्हें इस मैच में 84-4 के स्कोर पर पिच पर आना पड़ा, और पूरे टाइम नौशिया और क्रैम से जूझने के बावजूद उन्होंने शतक ठोक दिया। 5 दिन तक चली इस घमासान युद्ध ने कभी पाकिस्तान ऊपर तो कभी वेस्ट इंडीज, और दोनों साइड के दिमाग गरम। एक बार तो क्लियर एज लगने के बावजूद पूरे पाकिस्तानी टीम का LBW अपील देख विव रिचर्ड्स पाकिस्तानी फील्डर्स को बैट दिखाकर धमकाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि इमरान खान को अंपायर से प्रोटेस्ट करना पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि उस वक्त ना टीवी रिकॉर्डिंग थी ना मैच रेफरीज, हेंसे पूरी बात पिच पे निपट गई। पर ऐसे कई वाक्यों के बीच अंत में पाकिस्तान ने एक विकेट से मैच ड्रॉ कर दिया, सिर्फ एक विकेट से। और गेस कीजिए वो आखिरी ओवर किसने डाली थी? यप, विवियन रिचर्ड्स। तो बेसिकली सेकेंड मैच खत्म होते होते दोनों टीम्स एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अगला टेस्ट इस सीरीज का आखिरी टेस्ट होना था, जिसके अंत में या तो एक नई यंग टीम वर्ल्ड क्रिकेट में खुद को घोषित करती या तो पुराने शेर अपने सिंहासन पर कायम होते, और इस माहौल में शुरू हुआ तीसरा टेस्ट। पहले इनिंग में पाकिस्तान के 309 रन्स, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज के 306 रन्स। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने 262 रन्स का टारगेट खड़ा किया, यानी टारगेट 266 रन्स का, और 13 दिन का खेल अभी भी बाकी, यानी पूरी मैच परफेक्टली बैलेंस्ड, कोई भी जीत सकता। और ऐसे समय दिन खत्म होने से सिर्फ 45 मिनट दूर पिच पर आए विवियन रिचर्ड्स। अब अभी तक इस सीरीज में रिचर्ड्स 3 बार आउट हुए थे, जिसमें से 2 बार उन्हें वसीम अकरम ने आउट किया था। 21 साल का यह नौजवान बॉलर इमरान खान और मियांदाद से सीखकर खुद को ढाल रहा था। पेस कंट्रोल और अग्रेशन तीनों मिलकर एक नया खतरनाक बॉलर जन्म दे रहे थे, जिसकी बॉलिंग रीड करना विव रिचर्ड्स को भी तकलीफ दे रही थी। यहां तक के कई सालों बाद विव रिचर्ड्स ने एक इंटरव्यू में कहा, वसीम अकरम की एक बॉल उनके सिर के इतने करीब से गुजरी थी कि आज भी उन्हें उस बॉल के डरावने सपने आते हैं। पर फिलहाल इस मैच में विव रिचर्ड्स को पिच पर उतरता देख इमरान खान ने सीधा अकरम के हाथ में बॉल दे दिया, और अकरम का पहला बॉल बाउंसर, इतना फास्ट बाउंसर कि जिससे बचने के चक्कर में रिचर्ड्स की कैप गिर गई, वेस्ट इंडीज के बादशाह की कैप, यानी करीब करीब उनके सिर का ताज गिर गया था। और ये देख अकरम उनके पास जाकर खड़े हुए और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उन्हें स्लेज करने लगे। अब दंडी जैसे पतले अकरम को खुद को स्लेज करता देख
विव रिचर्ड्स उनको एक टक देखकर बोले, तू बाहर मिल, मैं तुझे देखता हूँ। कुछ देर बाद यही सीक्वेंस फिर रिपीट हुआ, बाउंसर, कैप गिरना और फिर स्लेचिंग। पर इस बार रिचर्ड्स ने अक्रम की ओर देखा, साइड में थूका और कहा, डोंट डू दिस मैन, यानी ये स्लेजिंग वाली बकवास बंद कर। अब उस समय अक्रम को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, पर रिचर्ड्स की बॉडी लैंग्वेज से वो समझ गए और उन्होंने जाकर इमरान खान को बता दिया। और कप्तान, उन्होंने अक्रम को फुल कॉन्फिडेंस में बोला, तू उसका टेंशन मत ले, मैं हूँ, तू यही चालू रख, कोई लोड मत ले। तो फिर क्या था, अपने मेंटर और कप्तान के सपोर्ट के साथ वसीम अकरम छूट गए, हर दूसरा तीसरा बॉल बाउंसर और वहां रिचर्ड्स झुके और यहां पे स्लेजिंग शुरू। यहां तक के चौथे दिन की आखिरी ओवर भी अकरम के हाथ में, जिसका आखिरी बॉल बाउंसर। ड्रेसिंग रूम में लौटने पर पूरी पाकिस्तानी टीम बेहद खुश थी। अगले दिन उन्हें सिर्फ 5 लोअर ऑर्डर विकेट्स लेनी थी और ये मैच उनकी। पूरे ड्रेसिंग रूम में हंसी और मस्ती का माहौल था और तब एक बंदा दौड़कर ड्रेसिंग रूम में आया और बोला, वसीम अकरम को बाहर बुला रहा है। वसीम ने पूछा, भाई क्यों बुला रहा है? तो जवाब में सिर्फ, आपको अभी के अभी बाहर बुला रहा है। इस पर वसीम उठे और ड्रेसिंग रूम के बाहर झांक कर देखा तो वहां खड़े थे विवियन रिचर्ड्स, जो बिना शर्ट पहने, सिर्फ पैड्स और बूट्स में, पसीने से लथपथ, हाथ में बैट पकड़े एक टक ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को घूरे जा रहे थे। ये दृश्य देखकर अकरम सीधे उल्टे भागे अपने कप्तान के पास, बोले, वो विव रिचर्ड्स बैट लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा है। और उस पर कप्तान इमरान, वसीम अकरम के मेंटर इमरान खान, जिसके कहने पर अकरम ने स्लेजिंग की थी, वो इमरान खान बोले, तो उसमें मैं क्या करूं, तेरा झगड़ा है, तू जाके संभाल। इस पर भौचक्के हुए अकरम झट से बोले, कप्तान मेरा साइज देखो, आपका साइज देखो, उसका साइज देखो, मैं कैसे जाके झगड़ूं। पर कप्तान ने इसके बाद सारी बातें अनसुनी कर दी, वो चुपचाप उठे और शॉवर के लिए निकल गए। वो यंग बॉलर मानो बलि के बकरे की तरह परोस दिया गया था। आखिरकार बलि का बकरा वसीम अकरम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर पहुंचे। पर विव रिचर्ड्स कुछ भी बोले उसके पहले अकरम बोल दिए, वो जो हुआ ना उसके लिए सॉरी, पक्का इसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, एकदम पक्का। विव रिचर्ड्स ने 2 मिनट अकरम की ओर घूरा और फिर बोले, इफ दिस happens again, I will kill you. अब आपको और मुझको ये शायद अभी भी कोई खोखली धमकी लगे, पर ये सुनकर वसीम अकरम ने अपने पूरे करियर में फिर कभी भी विव रिचर्ड्स को स्लेज नहीं किया। यहाँ तक कि अगले दिन विव रिचर्ड्स की विकेट तक अकरम ने ली, पर तभी भी उन्होंने रिचर्ड्स को कुछ भी नहीं कहा। उस पल का खौफ, उस गुस्सेल शेर की दहशत शायद सिर्फ और सिर्फ वसीम अकरम को पता होगी, क्योंकि उस वक्त उनके कैप्टन समेत सारी टीम उन्हें वहां अकेला छोड़ के गई थी। अब रही बात उस मैच की, तो अगले दिन 26 रन के अंदर रिचर्ड्स और एम्ब्रोस दोनों के विकेट गिर गए। मैच करीब करीब पाकिस्तान के जेब में था, पर टेल एंडर्स डुजॉन और बेंजामिन मानो फेविकॉल लगाकर क्रीज पर चिपक गए। धुआंधार पेस बॉलिंग के बावजूद उन्होंने 61 रन बनाकर वेस्ट इंडीज को मैच जितवा दी। और इस जीत के मायने आप शायद इस बात से समझ सकते हैं कि तीसरा मैच जीतने पर जब मैलकम ड्रेसिंग रूम में लौटे, तब उन्हें अपने कप्तान एक कोने में बैठे रोते हुए दिखे। वो खूंखार शेर अपनी टीम की जीत की खुशी में मुंह छुपाता हुआ रोए जा रहा था। उनकी टीम जीत गई थी, ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो चुकी थी। शेरों का सिंहासन कुछ साल के लिए ही सही, पर सलामत था। दोनों विव रिचर्ड्स और अकरम आज इस बात को हंसकर याद करते हैं। दोनों में इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं, यहां तक के वसीम अकरम के पीसीबी हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन खुद विवियन रिचर्ड्स ने किया था। वो गुस्सेल शेर और वो नौजवान आज एक अच्छे दोस्त है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो।